APBT यानी अमेरिकन पिटबुल टेरियर। नाम तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी डॉग स्पीड की वीडियो मिल जाती है। तो क्या आप लोग इस स्पीड के बारे में अच्छे से जानते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये पिटबुल ही है, लेकिन भाई इनमें फर्क होता है क्योंकि पिटबुल एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड नहीं है, बिकॉज ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, स्टेफर्डशायर बुल टेरियर जैसी डॉग ब्रीड है। एंड पिटबुल या APBT यानी अमेरिकन पिटबुल टेरियर ये केसी रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ इनकी पेडिग्री पेपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं और वो भी ऑनलाइन। तो आज जो APBT पपीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, भाई पपीज सुपर क्वालिटी में कलर ऑप्शंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड ये जो पपीज है ना भाई, ये भी पेडिग्री रजिस्टर्ड है। तो अमेरिकन पिटबुल टेरियर को मोस्टली लोग फाइटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन चूंकि इंडिया में पूरी तरह से बैन है तो प्लीज आप लोग अपने डॉग्स के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे APBT दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं क्योंकि इनकी बॉडी इस टाइप की होती है जो कि काफी मस्कुलर होती है, लेकिन भाई ह्यूमंस के लिए ही काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स के लिए ऑब्वियसली अग्रेसिव होते हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते कि उनके लिए भी अग्रेसिव हो, तो भाई आप लोगों को इन्हें ट्रेन करना होगा, इन्हें अच्छे से सोशलाइज करना होगा। और गाइस पपीज जो है एक्सीलेंट क्वालिटी में है और पेडिग्री रजिस्टर्ड तो है, साथ में बहुत ही तगड़ी ब्लड लाइन से भी, जो कि आप लोग इनके पेरेंट्स को देखकर जज कर पाओगे। एंड गाइस अगर आप लोगों किसी और डॉग स्पीड में इंटरेस्ट है ना, तो भाई हमारी ये पिछली वीडियोस भी जरूर देखें, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में। तो अगर आप लोगों को ये डॉग स्पीड चाहिए ना काफी कम प्राइस में, तो आप लोग हमारी इन वीडियोस को देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये आता कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं, यार मंची क्या APBT को फर्स्ट टाइम ओनर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये थोड़ी सी अग्रेसिव डॉग ब्रीड है। भाई देखो, कोई भी डॉग ब्रीड अच्छी या बुरी नहीं होती, उन्हें अच्छा बुरा बनाते हैं हम लोग बचपन से ही। जैसे उन्हें ट्रीट करेंगे ना वैसे उनका टेम्परामेंट होगा। अगर हम लोग पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी फ्रेंडली हो जाएंगे। या फिर अगर हम लोग पूरा दिन उनके साथ कोई भी बात नहीं करते, उनसे मिलते नहीं, उन्हें सिर्फ खाना देते हैं, कहीं पर एक साइड में बांध के छोड़ देते हैं, तो भाई चाहे कोई भी डॉग ब्रीड ले लो वो ऑटोमेटिक अग्रेसिव हो जाएगी। तो बस आप लोग को ये देखना है कि आप लोगों के पास कितना टाइम है जिन पपीज को आप लोग परचेज करे हो उनके साथ स्पेंड करने के लिए। सो गाइस अगर इन पपीज के मम्मी पापा यानी मदर और फादर की बात करें ना, तो भाई ये जो आप लोग फिलहाल देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है। भाई क्वालिटी देखिए कितनी तगड़ी है, और ये इंपोर्ट विक्टर ब्लड लाइन से है। एंड ये जो आप लोग ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये है फादर। भाई फादर की क्वालिटी तो अल्टीमेट है, आप लोग देखिए कितना मस्कुलर डॉग है, और ये भी इंपोर्ट ही ब्लड लाइन से है। बाकी इनकी ब्लड लाइन के बारे में ओनर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड गाइस ये जो पपीज की मदर है ना भाई, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। इसके पेडिग्री पेपर्स आप लोगों को साथ में मिल जाएंगे। फीमेल फुली रिजल्ट प्रूफ है, अभी तक ये 2 लीटर दे चुकी है। एंड ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना भाई, वो के 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए। सो आप लोग चाहे किसी को भी परचेज करो, डिलीवरी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही परचेज कर सकते हो। और ओनर की जो लोकेशन है ना वो है फरीदाबाद हरियाणा से। तो जितना पॉसिबल हो सके आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट ही जाएं। एंड इनके प्राइस की बात करें तो भाई पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में और पेडिग्री रजिस्टर्ड है। तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है, मेल की है 15,000 पीस 15,000 रुपए, एंड फीमेल की है 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। बाकी दोस्तों प्राइस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।